मेरे देशवासियों, जय हिंद। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि मेरे एक सीमा सुरक्षा बल के जवान ने अपने खाने के मामले में देश को एक संदेश दिया है। मैं भी एक सीमा सुरक्षा बल से इंस्पेक्टर पद से रिटायरमेंट आया हुआ हूँ और मेरा भी कारण यही था कि मैंने जवानों के खाने में किए जाने वाले घपले के मामले में उच्च अधिकारी की बात नहीं मानी थी और मुझे मजबूर किया गया था कि मैं आज से 10 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट आया था। मेरे देशवासियों, आज एक बार फिर आप तक यह संदेश पहुंचाने के लिए मैंने ये 10 साल से जो अपनी वर्दी संभाल के रखी हुई थी इसको पहनकर आपके सामने आया हूँ। सिर्फ खाने खाने का मामला नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जवानों को समय पर छुट्टी न देकर जो उनकी चमचागिरी अधिकारियों की करता है उसको समय पर छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन जो जवान उनके आगे पीछे नहीं जाता उसको छुट्टी के लिए भी बहुत परेशान किया जाता है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि जवान लैट्रिन के सामने, जो ट्रेन के अंदर लैट्रिन बनी होती है उसके सामने अपना बिस्तरा लगा कर लेट कर अपना बहुत लंबा लंबा सफर तय करता है जब वो छुट्टी आता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अधिकारियों की कागजों पर तो लीव प्लान बनाया जाता है लेकिन उसको वास्तविक रूप नहीं दिया जाता। और भी बहुत सारे घपले किए जाते हैं, आपने बाघा बॉर्डर देखा होगा, बाघा बॉर्डर पर जो जवानों ने वर्दी पहन रखी है वो उन्होंने अपने पैसे से खरीद कर पहन रखी है। जो वर्दी इनको इश्यू होती है उसका कपड़ा इतना घटिया होता है कि एक बार धोने के बाद दोबारा उस वर्दी को कोई भी सर्मोनियल ड्रेस के रूप में पहन नहीं सकता। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, सिर्फ ये खाने का घपला कहाँ तक है इसके बारे में भी बता दूँ, जो भी आप बॉर्डर पे पोस्ट देखते हैं या जो कैंप, आप सीधी भाषा में मैं बोलूँगा कैंप आप लोग देखते हो, उस कैंप का बहुत बढ़िया मेंटेनेंस किया जाता है और उस मेंटेनेंस को करने वाले जवान होते हैं और उस मेंटेनेंस के लिए जो सामान लाया जाता है वो भी जवानों के राशन से ही लाया जाता है। और भी मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी अधिकारी कंपनियों में या पोस्टों पर विजिट करते हैं, एक जवान की लगभग जो 50 रुपये डाइट है एक समय की, वो 50 रुपये की डाइट अफसर दे या ना दे, फिर भी वो अगर एक दिन रात को रुकता है उसके लिए दारू का, सिगरेट का, मुर्गे का, हर प्रकार का खाने का विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और वो देकर जाएगा तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि वेलफेयर के लिए जवानों के लिए बहुत पैसा आता है, उनकी फैमिलीज के वेलफेयर सेंटर खुले जाते हैं लेकिन उसके अंदर भी पैसा जो आता है उसको भी उच्च अधिकारी ऐसे ही चाट जाते हैं। मैं आपको अभी मामला आया था जेंटके का, मैं जेंटके के मामले में बताऊंगा कि जो बॉर्डर पे कारगिल में मैं खुद रहा हूं, जो बॉर्डर पर ऊपर पोस्टों पर रहते हैं उनके पास तो आधा राशन भी नहीं पहुंचता, उनको जो दी जाती वर्दी है उस वर्दी को एक जवान कई साल तक, एक जवान वहां रहेगा वो दूसरे जवान को दे दी जाती है, तीसरे को दे दी जाती है और उसकी हालत बहुत माड़ी होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी सिक्योरिटी या सिक्योरिटी एड्स कहते हैं उसको, यानी जो उनके साथ सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं उच्च अधिकारियों के साथ, उनका काम एक बच्चे को संभालेगा, एक उसके वर्दी प्रेस करा के लाएगा, जूते पॉलिश करेगा और साथ के साथ वो उसके खाना पकाने का भी जवान काम करता है। अगर किसी जवान ने मना किया तो उस जवान को बहुत परेशान किया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और इसी प्रकार बहुत सारे घपले, चाहे वो वर्दी खरीदने में हो, इक्विपमेंट खरीदने में हो, बहुत सारे घपले किए जाते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर उस तेज बहादुर यादव को सलाम करता हूं जिसने अपने जवानों की भावनाओं को
देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, आप देखेंगे कि आजकल वॉलंटरी रिटायरमेंट बहुत जवान आ रहे हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो अधिकारियों से परेशान होते हैं। और मैं तो ये कहूंगा, बिल्कुल सरेआम ऑफिसर जो सीनियर होते हैं वो तानाशाही का जो है एक छोटा रूप कह सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे डीजी आए जिन्होंने जवानों के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, सिर्फ अभी तक अगर कोई जवानों के बारे में सोचने के लिए डीजी आया है तो मिस्टर प्रकाश सिंह आए हैं। इन्होंने जवानों के वेलफेयर के लिए बहुत काम किया, लेकिन आपको देशवासियों जानकर हैरत होगी, इतने अच्छे अधिकारी को जो इनको सर्विस की एक्सटेंशन मिलती है सिर्फ एक प्रकाश सिंह को नहीं दी गई थी। वो जब रिटायरमेंट हुए थे, मैं उनकी जो विदाई परेड में खुद एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ उपस्थित था, उस परेड में भाग ले रहा था। प्रकाश सिंह ने अपने भाषण में जवानों की पीड़ा को समझा और वो बड़े दुखी और भावुक हुए थे कि मुझे जवानों का भला करने के लिए समय नहीं दिया गया। दोस्तों, आपने जो इस जवान की आवाज को सोशल मीडिया के थ्रू उठाया है, बहुत सारे मामले हैं। अगर इसका गहन पूरे सीमा सुरक्षा बल के आपके जवानों के बारे में मैं बताऊंगा, कोई भी अधिकारी, कोई भी मीडिया वाला जाकर देख लीजिए, एक जवान लगातार बॉर्डर पर 3 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकता। उसका रूटीन का सिस्टम इतना बिजी है कि अगर आप ईमानदारी से ड्यूटी करोगे तो 18 घंटे कम से कम उसको ड्यूटी देनी पड़ती है, और 18 घंटे के बाद उसको अपने कपड़े धोना, नहाना, बीओपी की मेंटेनेंस करना, ये सारे काम इससे अलग है। तो आप सोचिए, इन परिस्थितियों में जब हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो किसी प्रकार की आवाज उठाते हैं तो अधिकारी उसको दबा देते हैं। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि सभी अधिकारी एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारे अधिकारी बहुत अच्छे भी हैं। जैसे मैंने देखा है, एसपीजी में जो गए हुए अधिकारी वापिस सीमा सुरक्षा बल में जाते हैं तो वो बहुत अच्छा कार्य और जवानों की भलाई के लिए काम करते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो एसपीजी के अंदर एक इंस्पेक्टर से लेके सिपाही तक दोनों एक ही किस्म की ड्यूटी तक भी करते हैं, इसलिए उनमें इतनी हीन भावना जवान के प्रति नहीं होती। लेकिन जो सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी है वो वाक्य में जवानों को बहुत परेशान करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को देखकर एक बार फिर समस्त समस्याओं को जो हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को या सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के जवानों को आती है, उसको जरूर एक बार पूरे देश के अंदर फैलाएं। धन्यवाद।